हरदोई जिले की पुलिस और बदमाशों की पांचवी मुठभेड़ आज कोतवाली देहात इलाके में बदमाशों के बीच हुई, जिसमें एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लग गई तथा दूसरा साथी मौके का फायदा उठाकर बाइक सहित फरार हो गया। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक विपिन कुमार मिश्रा पहुंचे जिला अस्पताल और की घटना की पूरी जांच। हरदोई जिले के सन 2016 के बहुचर्चित हत्याकांड मली हामू पूर्व प्रमुख संजय मिश्रा हत्याकांड के प्रमुख मास्टरमाइंड फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश सनी कश्यप पुत्र अमर सिंह निवासी खेड़ादास थाना भेनगाज जिला बदायूं ने आज बाइक पर अपने साथी के साथ मृतक संजय मिश्रा की भाई धनंजय मिश्रा, जो उस हत्याकांड के गवाह हैं, की गाड़ी को ओवरटेक कर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसमें 3 गोलियां उनकी गाड़ी में लगी। तभी सामने से कोतवाली देहात की पुलिस गाड़ी से गश्त करती आ पहुंची। बदमाशों ने पुलिस को देखकर पुलिस बल पर ही फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें पुलिस ने भी अपनी प्रतिरक्षा में गोली चलाई, जिसमें एक बदमाश सनी कश्यप के बाएं पैर में गोली लगी, जो जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसका दूसरा साथी मौके का फायदा देखकर काली रंग की बाइक लेकर फरार हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के दौरान उसको ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक विपिन कुमार मिश्रा ने इस घटना की और घायल बदमाश के संबंध में विस्तृत जानकारी दी और आज की पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ की समूची जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रमुख संजय मिश्रा के भाई की गाड़ी पर ये बदमाश फायर कर रहे थे, तभी पुलिस से इनकी मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर भी फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने भी प्रतिरक्षा में गोली चलाई। पुलिस की गोली इसके बाएं में लगी और यह गिर पड़ा, लेकिन उसका साथी बाइक लेकर फरार हो गया। उन्होंने बताया कि इस घायल बदमाश पर हरदोई जिले में 2 मुकदमे दर्ज हैं और अन्य जिलों के थानों में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने बताया फरारी के दौरान इस बदमाश पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था और पुलिस को इसकी काफी दिनों से तलाश थी। इसके दूसरे साथी के लिए पुलिस द्वारा कॉम्बिंग की जा रही है, उसको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। निवासी पुत्र अमर सिंह है, जो निवासी खेड़ादास थाना फैजगंज जनपद बदायूं का है, और ये आज पुलिस मुठभेड़ में इसके बाएं टांग पर गोली लगी है। मुठभेड़ की का वाकया कुछ इस तरह से हुआ कि पुलिस उधर से गश्त करते हुए आ रही थी और ये सन 2016 में संजय मिश्रा के हत्याकांड में वांछित भी था। इस पर 25,000 रुपये का इनाम था। अचानक ही इसने उस संजय मिश्रा के भाई जो गवाह हैं इस मुकदमे के, उसके ऊपर फायरिंग करना शुरू किया था। तब तक सामने से पुलिस भी आई और उस दौरान जो है पुलिस को देखकर इसने पुलिस के ऊपर भी फायरिंग शुरू की। फायरिंग के दौरान जो इसके पैर में गोली लगी और जो बदमाश आगे मोटरसाइकिल एक काले रंग की चला रहा था, वो मोटरसाइकिल लेकर भाग गया।